बताइए क्या कार्यक्रम। हम लोग जो है 10 फरवरी को गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादियां कराने जा रहे हैं, जिसमें तलाकशुदा भी है, विधवा भी है और कुंवारी भी है। इसी वजह से अगर इनका शौहर किसी हादसे में ख़त्म हो जाता है या कोई शौहर गलत मिल जाता है, 4 दिन में लड़की बैठ जाती है तो उस पर एक धब्बा लग जाता है तलाक। हम लोग कहना ये उन सब पे नज़र डालें जो इस चीज़ के हकदार हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सरमायादार लोग, वो आगे निकल के आएँ और ऐसे प्रोग्राम करें, इज्तिमाई शादियाँ हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में करें, ताकि जो गरीब माँ बाप है किसी वजह से अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं वो इस माध्यम से करा सकें। इसी को लेकर आवामी खिदमत कमेटी 10 फरवरी को शाम को शादियाँ कराने जा रही है, 5 शादियाँ करा रही है इज्तिमाई, और उसमें पूरा खाने का भी इंतज़ाम है बहुत अच्छा, और जो ज़रूरी सामान है वो सब दिया जाएगा, कपड़े से, बर्तनों से, बेड है, साइकिल है, सोफे हैं, सब चीज़ें दी जाएगी। और हमारी यही अपील है कि जो अपनी बेटियों की शादी हो 10-10 लाख रुपए के खाने कर रहे हैं, उसमें से कुछ कटौती करके गरीबों पे अगर खर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अवामी खिदमत कमेटी जितने भी मुस्लिम लवारिस जनाजे आते हैं उनका कफन दफन अवामी खिदमत कमेटी अपनी तरफ से करती है, और जो जनता में लोग मर जाते हैं उनका गुसल बिल्कुल फी सबीलिल्लाह फ्री करा के आते हैं। मुख्य अतिथि कौन आ रहा है? मुख्य अतिथि में सब मुख्य अतिथि हैं, हमारे यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं होता, सब मुख्य अतिथि होते हैं, चाहे वो हमारे मेंबर साहब रहमान साहब हों, चाहे हमारी कमेटी के मेम्बर हों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खिदमत गुजार चाहिए, VIP नहीं चाहिए, जो भी आता है वो खिदमत गुजार में आता है, तो आखिर जनता की खिदमत करें, गरीबों की सेवा करें, यही एक हमारा संदेश है। किसी भी प्रोग्राम में किसी को एक को पीछे ना लगे, बल्कि सब गरीबों की सेवा करते रहें और सवाब हासिल करते रहें। इस्लाम धर्म में एक शादी का सवाब एक हज के बराबर है, ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। गरीब शादियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ करके आगे आना चाहिए, उनके माँ बाप की जो है परेशानी दूर करना चाहिए। अवामी खिदमत कमेटी पूरे हिंदुस्तान की जनता को संदेश देना चाहती है कि वो अपनी यहाँ की शादियों में लाखों रुपए खाने में खर्च कर देते हैं, आधे से ज़्यादा खाना